तो फ्रेंड्स, दानियल ब्लॉग्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग फिलहाल है सातुली में। सातुली मतलब भाई अंकल कैटल फार्म में। पीछे आप लोगों को ये बोर्ड दिखता होगा, हम लोग अभी आ चुके हैं अंकल कैटल फार्म में। देखिए फ्रेंड्स, 2024 का जो सीजन आया वो अब आ चुका है, ठीक है। और सीजन में अगर जानवर के ऊपर एक्सेसरीज नहीं लगे तो भाई मज़ा नहीं आता है। लास्ट ईयर 2023 में भी अंकल कैटल फार्म जो है वो गोलबाड़ी सातुली में जो है वो एक्सेसरीज को जो है वो लेके आए थे, और काफ़ी अच्छा जो माशाल्लाह आप लोगों का क्रेज़ रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा। बट हम लोग 2024 में कुछ अलग लेकर के आए हैं, जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शंस 2024 का अंकल कैटल फार्म से, जो कि है एसएस ट्रेडिंग। आज हम सभी लोग इन सभी एक्सेसरीज को देखेंगे जानवर में पहना करके भी, और जो यहाँ के ओनर है जो जिनका नाम है फरहान भाई, उनसे भी हम लोग रब्ता करेंगे और उनसे पूछेंगे एक्सेसरीज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी कैसा है, आप जब बनाए तो आप कस्टमर को इंश्योर कैसे कर सकते हैं कि आप इसको यूज़ करें अपने फार्म्स में। तो सभी डिटेल्स रहेंगे व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम लोग। मेरे पीछे दो जानवर है, एक है कांकरेज गाय और एक ये है जर्सी, जो कि बहुत यूनिक है और बहुत ही कम देखे होंगे आप लोग। तो अभी दोनों जानवर हम लोग पीछे खड़ा कर दिए हैं। अब हम इस वीडियो का जो स्पेशल चीज़ है, जो कि कॉन्वर्सेशन होने वाला है फरहान भाई के साथ, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। तो फरहान भाई, आप हमारे साथ आ सकते हैं। वालेकुम भाई। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे ये बताइए। बस बढ़िया। तो हमारे साथ जो फरहान भाई आए हैं, मैं आपको एक बार इनसे रूबरू करा देता हूँ। तो फरहान भाई एक्चुअली जो है एसएस ट्रेडिंग अंकल कैटल फार्म के ओनर हैं। तो फरहान भाई, सबसे पहले आप हमको ये बताइए, जो एसएस ट्रेडिंग जो आप मतलब ये खोले हैं, जो आप एक्सेसरीज जानवर का रखते हैं, इसका आपके पीछे मोटिव क्या है? मतलब आप लोगों का जो एक एसएस ट्रेडिंग है उसका मेन मोटिव क्या है? देखिए भाई, मेन क्या मोटिव है इसका कि दो साल से पीछे बहुत काम हुआ है, बहुत सारा कुछ हुआ है, हम लोग का बहुत सारा प्रोडक्शन में माल है, और इस बार इंशाल्लाह अच्छा अच्छा कुछ माल का नया नया क्वालिटी क्वांटिटी सब में भी कुछ डिस्कस करेंगे साथ मिलके। तो इस बार माल देखिए इंशाल्लाह, है ना जी। तो फरहान भाई, आप से बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि कस्टमर्स काफ़ी सारे आते हैं, एक तो फार्म ओनर्स भी हो गए, एक हो गए कस्टमर्स, तो आप कैसे इंश्योर करते कस्टमर को कि हमारा जो प्रोडक्ट है इज बेस्ट? भाई, वीडियो का पर्पस यही था जी कि क्वालिटी दिखाया जाए। क्या क्वांटिटी पे तो सब बात करता है, बट क्वालिटी कोई नहीं देता। और क्वालिटी इम्प्रूव करने का तरीका यही था कि गाय को तकलीफ ना हो। देखिए, जानवर को जितना उसको तकलीफ दिया जाएगा वैसे वो बेचारा तकलीफ में होता है। और अगर आप मान सकते हैं कि कुर्बानी बहुत नेमत वाला चीज़ है जी, और बहुत बरकत वाला चीज़ है भाई, तो हम लोग चाहते यही है कि का जो जानवर है ना उसको और थोड़ा ये करे, इम्प्रूव करे, मतलब सेफ्टी दे, सेफ्टी दे। और आपका वैसे भी तो आपको मालूम ही होगा, कुर्बानी का बाद अल्लाह के घर जा रहा है भाई जी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उसमें और थोड़ा खूबसूरती और ये करके जी उसको दिया जाए, ठीक है। तो फरहान भाई, जैसे कि आप बताए कि मतलब जानवर का सेफ्टी इज़ आवर मेन मोटिव, एंड एक जो होता है तरीके से जानवर को रखना अपने फार्म में, वो सब के लिए हम लोग हल्टर वगैरह जो है वो निकाले हैं। अच्छा फरहान भाई, सबसे पहले ये बताइए कि एसएस ट्रेडिंग जो आप खोले हैं उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है? मतलब कि एक हो गया जानवर का, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आप हल्टर रखें, तो उसके साथ साथ और आप क्या चीज़ रखे हैं अपने यहाँ पर ट्रेडिंग में? भाई, हमारे पास मोस्टली सब चीज़ कैटल एसेसरीज में सब कुछ अवेलेबल है। आपका रस्सी हो गया, हम लोग तो आपका ये मतलब है कि मेन हम लोगों का जो है एक्सेसरीज काफ़ी सारा है। तो ये बताइए कि आप कौन कौन से एक्सेसरीज रखे हैं, जैसे कि जानवर का क्या क्या चीज़ आप लोगों के पास है? भाई, जानवर का कैटल्स का हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल है जी। मोस्टली हर चीज़ अवेलेबल है। कैटल्स का आपका ग्रूमिंग प्रोडक्ट है, आपका हल्टर्स है, नॉर्मल हल्टर्स है, रस्सी है, एवरीथिंग है ना। मतलब आपके पास डिफरेंट वेरिएशन है। और कलर तो मतलब जैसे कि कस्टमर्स जैसे डिमांड करेगा, जैसे हमको जैसा कस्टमर डिमांड करे वो अवेलेबल हो जाए, है ना। और पेट का वगैरह जो पट्टा होता है, जो हम सजावट के टाइम जो हम लोग यूज करते हैं व्यूअर्स, जैसे कि होता है पेट में पट्टा लगा दिया हम लोग, गला में पट्टा, झालर लगा दिए, वो सब आपके पास है? तो सब 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 है ना। तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि कोई लोग ले करके पट्टा लगा करके अपने घर लेगा या फिर फार्म में लेगा, क्या इंश्योर है कि वो माल सही रहेगा या फिर टूटेगा नहीं? क्योंकि उसमें बहुत सारा वर्क होता है, जैसे आप जानते हैं स्टोन वर्क होता है, जैसे उसमें मोती का वर्क होता है, तो आप लोग क्या इंश्योर करते हैं कि हमारा जो अंदर में वर्क रहेगा वो क्या मतलब कि बिल्ड क्वालिटी अच्छा है? भाई देखिए, मेन मोटिव यही है वीडियो का, आप सही पॉइंट बोले हैं कि
हल्टर जो है ना उसको कैसे पहनाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि जब गाड़ी में माल लोडिंग होता है तो कुछ कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि जो रेडी करके जी गाय को पूरा उसमें हल्टर्स लगा के उसके बाद वो लोडिंग करते हैं। तो वही चीज पे आज गौर करेंगे थोड़ा कि हल्टर्स को कैसे ये किया जाता है, पहनाया जाता है। तो मेरा एक ये सजेशन है फ्रेंड्स कि देखिए अगर आप लोग फार्म में जानवर रख ही रहे हैं तो देखिए सच बोले तो रस्सी जितना दाम का आता है भाई लोग भी उससे कुछ ही दाम में अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं। सिंपल बात है, क्या फरहान भाई? अगर आप लोग रस्सी नहीं यूज करके अगर ये हल्टर यूज कीजिएगा तो इसका बेनिफिट्स क्या होगा वो फरहान भाई खुद बताएंगे। बताइए फरहान भाई। मेन क्या है भाई, देखिए रस्सी में गाय को तकलीफ होता है और एक दाग भी आता है, दाग आ जाता है नाक पे और बहुत बांधना होता है, टाइट, कभी टाइट हो जाता है कभी लूज हो जाता है जी। तो इसको हम लोग खत्म करने के लिए एक बार पूरा ये करेंगे। इसी के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस किया रस्सी जी विद, देखिएगा हमारे वहाँ पर के पूरा ब्रास के संग में। हम समझ गए। तो मतलब कि फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखलाऊंगा कि रस्सी में भाई लोग क्या मतलब वेरिएशन लाए ताकि जानवर को जो है ना वो तकलीफ ना हो फ्रेंड्स, ठीक है। और फरहान भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मोटिव शुरू की है कि जानवर को तकलीफ ना हो, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और ये सभी को समझना चाहिए। तो भाई फर्स्ट है गोलबाड़ी के जो ये शुरू किए, 2000 कब हुआ भाई आपका सीन्स? हमारा 2017 से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा 17 से काम कर रहे, बट आप लोग फॉर्म में आए थे 2023 में एंड 2020 में आ गए थे आप लोग। अच्छा तो फ्रेंड्स ये चीज़ है कि जानवर को तकलीफ ना हो, ये मेन मोटिव है। और जानवर खूबसूरत लगे, जानवर के मतलब कि जब कोई लेके के जाए तो दुल्हन बना के लेके जाए, है ना? तो भाई मेन मोटिव यही है भाई लोग का। भाई बिल्ड क्वालिटी पे बात किए हैं और क्या क्या उनके पास है। अब आइए एक एक करके कलेक्शंस देखते हैं कि क्या क्या कलेक्शंस है, उसके ऊपर बात करते हैं भाई से। हाँ क्वालिटी भी देख लेंगे। चलिए आइए फ्रेंड्स, चलिए अंदर आपको इस साल का कलेक्शन दिखाते हैं। चलिए आइए व्यूअर्स हम लोग चलते हैं और अंकल गाटल फार्म का 2024 का कलेक्शन देखते हैं। अच्छा ये आप लोगों के मतलब पेट्स है ना, क्या नाम है दोनों के? बल्लू और चिंकी। बल्लू और चिंकी, अच्छा मेल और फीमेल है? मेल और फीमेल। चलिए अच्छा है। आइए फरहान भाई, तो ये आप लोगों का आज का इस साल का मतलब के कलेक्शन है ना भाई? माशाल्लाह बहुत नायाब और बहुत ही अच्छा वर्क लग रहा है। जितने भी फ्रेंड्स मैं बतला रहा हूँ, जेन्युइनली बतला रहा हूँ, जितने भी आप लोगों को यहाँ पर पट्टे दिख रहे हैं सब में वर्क ऑन टॉप है और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है। चाहे वो हम लोग लेदर की बात करें, चाहे वो हम लोग सजावट की बात करें, चाहे झालर की बात करें, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। तो अब आते हैं फरहान भाई से कुछ बातें करते हैं एंड फिर आप लोगों को अच्छे से सब के बारे में बतलाते हैं जी भाई। तो अब हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स क्वालिटी पे बात करने के लिए और क्या क्या मतलब के एक्सेसरीज हैं, कितने डिजाइन के हैं, सभी बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं फरहान भाई ये वाला एक बार उठाइए और हाँ, तो ये वाला जैसे कि हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको एक बार दिखलाता हूँ और कैमरा में शायद आप लोगों को एक बार मैं वेरिएशन दिखला दूंगा रेड कलर का। यहाँ अगर आप लोग फोकस कीजिएगा तो एक एक जो आप लोगों को यहाँ पर स्टोन वर्क हुआ हुआ है यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ये बहुत ही मतलब के नायाब है और मतलब अच्छा क्वालिटी का, मतलब गिरेगा नहीं जल्दी क्योंकि अगर हम इसको हिला करके देख रहे हैं तो हिलेगा नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अभी फरहान भाई से मैं पूछूंगा तो, और इसका जो वर्क हुआ है जिसके ऊपर हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा मोटा का क्वालिटी का, ठीक है। तो मतलब दिक्कत कुछ नहीं होगी जानवरों को, ये आप इंश्योर करके चलिए। आइए फरहान भाई से बात करते हैं। तो फरहान भाई इसको बताइए जो आप लोग ये बनाए, सबसे पहले ये किसके ऊपर में जो है ये काम हुआ हुआ, क्या क्वालिटी है ये वाला भाई? ये वाला आपका वेलवेट है, ऊपर पे वेलवेट है जी, ठीक है। और अंदर पे लेदर दिया हुआ है, लेदर दिया हुआ है, मतलब लेदर वर्क है फ्रेंड्स। और अगर कोई मान लिया यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये वाला सिल्वर कलर का यहाँ पर दिया है भाई, अगर कोई नाम लिखाना चाहे, अगर जैसे कि किसी का फार्म है जी, ठीक है, और अगर कोई नाम दिखा मतलब के दिखाना चाहे अपना, तो क्या वो यहाँ पर लिखा सकता है अपना? हाँ, नाम यहाँ पर नाम हो जाएगा, यहाँ पर स्टिकरिंग हो जाएगा, हाँ सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये वाला जो है आप लोग का नाम लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये हम लोगों का आता है दूसरी नंबर पॉइंट, जो मोती लगा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो उसके ऊपर फरहान भाई हमको ये बताइए जो मोती लगा हुआ है क्या वो निकल सकता है, मतलब एकदम क्लियरली बोलिए ऑडियंसेस को। भाई ये देखिए, पहला बात तो आपका ये है कि ये वाला जो है ना जी, ये आपका कस्टमाइजिंग हल्टर होगी, ठीक है। इसमें क्या है आपका, अगर आप वैन पे लेके जा रहे हैं जैसे लोडिंग के टाइम पे जी, बहुत सारे शौकीन जो भाई है जो गाय के बहुत शौकीन होते हैं, वो क्या करते हैं ना अक्सर कि इसको पहना के आपका ट्रक में लोडिंग करवा देते हैं। और उसमें देखिए ये क्या होता है ना, ये गिर भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सकता। हाँ अब देखिए फ्रेंड्स, लेदर के ऊपर काम हो रहा है, कोई भी चीज पर प्रेशर पड़ेगा तो वो गिरेगा ही,
है ना जी, जी ठीक है। मगर और आपका जो मेन मेन चीज है, जैसा ये देख लीजिए आप, ये खो गया। हाँ ये तो मेरे ख्याल से जो फेस में लगता है जानवर का वो है। हाँ ठीक है, तो ये वाला आप अच्छा, जैसे कि इसके ऊपर ही बात करते हैं, सपोज इसको ले लेते हैं हम लोग, तो इसका जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका बिल्ड क्वालिटी काफी मोटा है, ठीक है। तो ये आपका क्या लेदर है क्या? हाँ भाई ये और लेदर के ऊपर में स्टोन वर्क हुआ हुआ है। अच्छा, कोई मान लिया बीच में लोगो लगाना चाहे अपना फार्म का, ठीक है, जैसे कि फार्म में आप जानते हैं कि 50 जानवर रहता है, 40 जानवर रहता है, तो अगर यहाँ पर बीच में कोई लोगो लगाना चाहे तो क्या लगवा सकता है? हाँ भाई लगा सकते हैं। और नाम लिखाना चाहे? नाम सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स लोगो नाम जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आप अपना बीच में लोगो लगा सकते हैं, साइड में नाम लिखवाना चाहे वो भी करवा देंगे फरहान भाई हम लोगों के, ठीक है। तो आप इंश्योर करके चलिए कि कस्टमाइज भी आप लोग कर देंगे जैसा होता है। अब जैसे देखिए कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग बात कर लिए कि जैसे आप बोले कि वैन में चढ़ाना है तो हाँ नहीं पाए, उतार करके आदमी सजा कर उतार वो ठीक सजा सकते है। हाँ, लेकिन ट्रक में क्या है कि जानवर इधर उधर मुंह मारता है, हाँ, गिर सकता है, गिर सकता और तकलीफ भी, हाँ तकलीफ भी हो सकता है। और जानवर का जैसे कि आप जानते ही हैं, थोड़ा जानवर जब लोडिंग होता है अनलोडिंग होता तो काफी मूव करता है जानवर, मोती गिर सकता है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है फार्म ओनर्स। देखिए ये तो फरहान भाई आप भी जानते हैं कि फार्म ओनर्स जो है हल्टर जैसे कि मुंह में लगाने वाला हो गया, ऊपर में जैसे ये वाला है, ठीक है, तो वो वाला चीज जो फेस में लगाने वाला होता है वो काफी क्वांटिटी में लोग लेते हैं, ठीक है। तो क्या अगर क्वांटिटी में अगर ले 40-50-80 ही समझ के चलिए, किसी के पास फार्म में ज्यादा क्वांटिटी है, तो क्या डिस्काउंट रहेगा? क्वांटिटी में क्या रहेगा और रिटेल में क्या रहेगा, ये आपको आप एक्सप्लेन कीजिए भाई। देखिए क्वांटिटी और आपका डिस्काउंट पे जो होता है वो आपका जैसा क्वांटिटी होगा वैसा हम लोग डिस्काउंट भी देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें मार्जिन हम लोग बेसिकली कम ही रखते हैं, इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता भाई हम लोग का। तो आप अगर कोई क्वांटिटी लेगा तो क्वांटिटी का एक अलग रेट होगा, और जो सिंगल पीस जो लेते हैं उसका भी अलग रेट होगा। अलग रेट होगा, वो तो जाहिर सी बात है। देखिए रिटेल और होलसेल वाला तो आप लोग जानते ही हैं फ्रेंड्स कि अलग रहता ही है, ठीक है। और जहां तक बात रही बिल्ड क्वालिटी के, तो बिल्ड क्वालिटी आप तो इंश्योर करते ही है कि क्वालिटी भाई हाँ इज ऑन टॉप रहेगा, ठीक है। और तो ये अभी हमारे सामने आया है ये वाला, इसके ऊपर एक प्लेट लगा हुआ है गोल्डन का, इसके पीछे लेदर वर्क है, उसके ऊपर भाई लोग रेड का बाउंड्री दिए, उसके ऊपर ब्लैक और ये वाला प्लेट। अब फरहान भाई ये बताइए जो ये प्लेट लगा हुआ है इसके ऊपर क्या नाम लिखाएगा? हाँ भाई यहाँ पर आपका फार्म का नाम लिखा सकते हैं, अगर कोई शौकीन है जानवर के तो वो जानवर का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखवा सकता है। हाँ। और क्या इसका जो ऊपर का मोटा जैसा साइज है, जैसे विथ ज्यादा है, तो क्या वो भी कस्टमाइज करके आप लोग देते कि अगर किसी को चाहिए थोड़ा छोटा रहे? हाँ वो भी हो जाएगा जी, वो भी हो है ना। तो ये भाई लोग का है, जैसे कि मैं डिटेल से एक एक करके पूछ रहा हूँ, चाहे वो फार्म ओनर्स हो चाहे वो कस्टमर्स हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी शको शुबा ना रहे, है ना, क्लैरिटी रहना चाहिए दिमाग में। तो ये हो गया हम लोगों का। अब बताइए फरहान भाई, जैसे कि ये रस्सी बहुत अच्छा चीज की है फ्रेंड्स, मैं पर्सनली बताता हूँ, ये वाला सिस्टम जो किए हैं ये लोग, देखिए जैसे कि हम लोग इसको खोल करके चट से निकाल सकते हैं, ठीक है, और जब लगाना हो ये लगा दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों का बहुत सही चीज हुआ है भाई। ये वाला जो आप किए हैं, ये अलग से जो रस्सी है इसको मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली दिखलाता हूँ फ्रेंड्स, पहले अलग से लाके। तो ये अभी हम लोगों के सामने एक रस्सी आ चुका है फ्रेंड्स, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि ये अगर आप लोग देखिएगा हुक जो है ना, ये वाला हुक, जैसे ये खोला और जो मुक्कस है उसमें प्लग करके बस जानवर को निकाल लिया, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ना ये बहुत ही कम फार्म में होता है और वक्त ज़ाया होने से भी बचता है। तो ये जस्ट हम लोग लगाया गले के नीचे और जानवर को निकाल लिया, इजीली ये काम हो जाता है। तो फरहान भाई ये वाला का तो ज़्यादा दाम नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये आप कमी में दे देंगे, है ना, और क्वांटिटी में लीजिएगा तो उसमें 50-30 रुपये जो है डिस्काउंट होगा ही होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी का ये हिसाब है। और इसका कलर आप लोग क्या क्या कलर आएगा फरहान भाई? इसमें कलर आपका सभी अवेलेबल है, रेड है, हाँ ये आपका मल्टी कलर होगा, पिंक हो गया, रेड हो गया, है ना, येलो हो गया, और पाइप वगैरह जो मुक्कस में पाइप लगता है, हाँ वो भी अलग से आप लोग मिल जाएगा अलग से। तो मतलब इस साल हर कलेक्शन आप लोग रखे हैं, मतलब कोई चीज में कमी नहीं है फ्रेंड्स, है ना, हर कलेक्शन। चलिए ये हो गया। अच्छा अब आप लोगों को जो है ना फ्रेंड्स, मैं अभी मुक्कस दिखा चुका हूँ, मैं थोड़ा आप लोग को अब हल्टर दिखला देता हूँ, जो मतलब हम लोग ऊपर में लगाते हैं जानवर का, उसका डिजाइनिंग भी है भाई लोगों के पास, थोड़ा दिखलाइए। ब्लैक कलर का ऊपर में स्टोन वर्क और जो ये मोती का वर्क हुआ है ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये एक्चुअली में बीच में अगर आप लोग लोगो चाहिएगा तो ये लोगो लगा देंगे, पर्टिकुलरली अगर आप लोगों को चाहिए तो ये बहुत ही अच्छा। और इसका विथ देखिए कितना मोटा है, ये मतलब इंश्योर करता है कि आपका क्वालिटी अच्छा है ना। तो फरहान भाई ये क्या लेदर है?
जी भाई, इसके अंदर लेदर है और ऊपर वेलवेट है। अच्छा, ऊपर वेलवेट है और नीचे लेदर है, तो मोटा काफी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोगों का, एक रेड वाला दिखला दीजिए। ये देखिए, ये भी ऊपर में लगेगा। अच्छा, मैं जो आप लोगों को फ्रेंड्स बोल रहा था ना कि रस्सी का बात जो है, रस्सी हम लोग यही हुक जो है इसमें लगा दिया जाएगा और जानवर निकाल लिया जाएगा, इजी है। और ये एक आप लोगों का हो गया जिसमें कपड़े के ऊपर में जो है ये मोती का वर्क किया हुआ है, ये वाला आप लोगों के पास वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे ये है, ये जानवर को पहना दिया, ये गले के नीचे लटका रहेगा, इसको मैं बस ये वाला हुक में लगाया और ये हो गया बस। अब जानवर को ये रस्सी पकड़ के निकाल दो, इजी है, सिंपल एज दैट, ठीक है, हो गया। अब फरहान भाई रेड कलर का एक बार दिखला दीजिए, ठीक है। देखिए, जो मैं ब्लैक दिखलाया था उसका जस्ट अल्टरनेटिव है ये रेड वाला, ठीक है। रेड वाला में भी आप लोग ये स्टोन वर्क देख सकते हैं, पूरा अच्छा से हुआ है, मतलब कारीगरी जो किया है वो बहुत ही अच्छा से किया गया है, ठीक है। चलिए, ये वाला हो गया। अब आप लोगों को मैं एक बार पाइप वाला दिखला देता हूँ, पाइप दिखला दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये नॉर्मल मुकस हो गया जो हम लोग पहनाते हैं। देखिए फ्रेंड, सच बोले तो जो रस्सी पहनाया जाता है फार्म में, उससे दाग लग सकता है। फरहान भाई बताइए, थोड़ा दाग लग जाता है कभी कभी। देखिएगा, कोई खूबसूरत अगर जानवर है तो उसका खूबसूरती पे ये लग जाएगा, वहाँ पर दाग आ जाता है, नाक पे छिला जाएगा, बस इसी के लिए। और ये रस्सी का जो मतलब आप लोग देख सकते हैं ना, ये वाला रस्सी का क्वालिटी, ये है सॉफ्ट, इसको अगर नॉर्मल भी यूज कीजिएगा ना तो आपका जानवर में दाग नहीं आएगा, ये बहुत सही है। ऊपर से भाई लोग एहतियातन पाइप भी लगा दिए, और इसका ज्यादा दाम तो होगा नहीं, फरहान भाई नॉर्मली रखें, आप लोग जैसे रस्सी का रेट होता है वही रखें, वही रेट, तो इसमें कोई आप लोगों को शको शुभा नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कलेक्शंस के बारे में बात कर लिए, अब थोड़ा एक बार झालर दिखला देते हैं, क्योंकि झालर का भी इस साल भाई लोग थोड़ा मतलब लाए हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा डिजाइन दिखला देता हूँ, क्या फरहान भाई? जी भाई। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं झालर के कैटेगरी में, और झालर की कैटेगरी में क्या क्या कलर्स हैं, क्या क्या मतलब क्वालिटी बिल्डअप है, वो मैं आपको दिखलाता हूँ। सबसे पहले मैं रेड को लूंगा, भाई ये आप लोग रेड पकड़िए, फिर आप लोग इसका एक बार झालर देखिए कैसा है। ये गले में लगेगा जानवर के, आप लोग अगर गले में जानवर का पहनाइएगा तो जानवर माशाल्लाह काफी खूबसूरत और नायाब लगेगा, ठीक है। तो इसका एक बार आप लोग क्वालिटी देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से दिखलाता हूँ। ये देखिए, ये है फ्रेंड्स रेड कलर पैटर्न में एसएस ट्रेडिंग का झालर, तो अब ये आप लोगों का हो गया। एक आप लोगों का ब्लू कलर में आएगा, जो ब्लू कलर में आएगा वो मैं आपको दिखला देता हूँ। एक ये ब्लू कलर में हम लोगों का आ रहा है, ठीक है, क्वालिटी देख लीजिए आप लोग अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब एक और है जो कि है ग्रीन कलर की कैटेगरी में, देखिए एक ये है फ्रेंड्स ग्रीन कलर की कैटेगरी में, ठीक है, फुल ग्रीन। और एक जो है आप लोग ऊपर में देख सकते हैं जो कि है मिक्स में, ठीक है, मिक्स येलो और ग्रीन का मिक्सअप है। सो ये हो गया झालर का कैटेगरी। भाई झालर का कैटेगरी में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि इसका क्वालिटी बिल्डअप कैसा है, अगर कोई खरीदता है फार्म अपना जानवर शोकेस करने के लिए खरीदता है तो क्या क्वालिटी बिल्डअप रहेगा? भाई क्वालिटी बिल्डअप तो झालर का मेन मकसद ही आपका कि बहुत सारा देखिएगा टूट के गिर जाता है, हाँ, बट हम लोग में वो चीज़ नहीं होगा आपको, मतलब जो बांधा गया वो एकदम अच्छे से किया, अच्छा से बांधा गया है ना, तो ये चीज़ है। तो अब हम लोगों का देखिए झालर का तो आपको मैं मुक्कस दिखला दिया हूँ, मैं आपको उसके ऊपर का हल्टर दिखला दिया हूँ, मैं आपको पाइप दिखला दिया हूँ जो रस्सी के साथ आया, सिंपल रोप भी दिखला दिया हूँ। उसके बाद अब हम लोगों का आ जाता है जो कि मेन चीज़ है, जो कि गला का पट्टा और बॉडी का पट्टा। बॉडी का पट्टा मतलब जो पेट में बांधा जाता है, ठीक है, जानवर का मतलब खूबसूरती दिखलाने के लिए वो बांधा जाता है। आइए उसका क्या क्या डिज़ाइन है सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ।